हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है फिर से एक और वीडियो में। दोस्तों आज है 1 फरवरी 2024, यानी कि दूसरा महीना स्टार्ट हो चुका है। तो अभी चलते हैं, टोटल माल हमारे पास आज 1 तारीख को कितना बचा हुआ है, टोटल गिनती करते हैं और हिसाब करते हैं टोटल माल हमारे पास कितना का है, कितना कैश है। और दोस्तों पिछला महीना यानी कि जनवरी में कितना का इनकम हुआ है, टोटल यानी कि जनवरी महीने में क्या क्या चीज़ इम्प्रूवमेंट हुआ है और कितना का इनकम हुआ है पूरे महीना में। और दोस्तों यूट्यूब के बारे में भी बताएंगे कि यूट्यूब पर कितना फॉलोअर्स बढ़ा है पूरा जनवरी महीने में, कितना वाच टाइम हुआ है, सारे कुछ बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये सब देख सकते हैं, ये सब निकाले हुए हैं और इधर गिनती कर करके लिख रहे हैं। तो अभी चलते हैं, सबको अच्छे से गिनती विनती करके और हिसाब सब करके फिर मिलते हैं। तो दोस्तों अभी फाइनली हमने सारा को गिनती कर लिया, टोटल को। कोई खास माल नहीं है, जो है सो कैरेट में है और थोड़ा सा इधर है और इसमें थोड़ा है, बस यही सब है, देख सकते हैं इतना ही है। और झोला ये है, झोला में है। और टोटल दोस्तों इधर कर लिया हूँ, गिनती कर करके लिख लिया हूँ। और दोस्तों अभी चलते हैं छत पे और वहाँ पे आराम से सबको हिसाब करेंगे और हिसाब करके फिर आप लोगों को दिखाते हैं और बताते हैं कि पिछला महीना में क्या क्या हुआ है जनवरी में। दोस्तों अभी मैं छत पे आ गया हूँ और टोटल हिसाब कर लिया। तो आइए आप लोगों को कॉपी पर चल के दिखाते हैं और बताते हैं कि हमने हमारे पास कितना का माल है टोटल, और पिछला महीना में कितना का इनकम हुआ है वो भी दिखाते हैं। चलिए कॉपी पर लेकर चलते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, टोटल हिसाब कर लिया, हमारे पास टोटल माल जो है ना 16,417 रुपये का बचा हुआ है। जिसमें यहाँ पे आते हैं तो देख सकते हैं, आज 1/2/2024 तो 16,417 रुपये का माल है, 1,737 रुपये कैश, और टोटल मिलाते हैं तो 18,150 हो जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं 1/1/24 को हमारे पास टोटल था 18,400, तो यानी हो जाता है 2,250 रुपया इसमें कम है। इनकम की बात करें तो दोस्तों ये जो निकला हुआ है ये हमारा इनकम होगा, तो 4,500 प्लस में 883, यानी कि 950, ₹950 रुपया ये हुआ। और दोस्तों हमारा टोटल खर्चा पेट्रोल वेट्रोल सब लेकर के इधर है 900 और 2100 के आसपास में, और इधर खर्चा हुआ है पेट्रोल, नाश्ता, सब्जी उब्जी, बच्चों में खर्चा, यानी कि सब जो खर्चा हुआ है वो 2100 है, 900, यानी कि 3,000 रुपया हमारा टोटल खर्च हुआ है इस महीने में। और 4,500 रुपये एक और निकला हुआ हूँ किसी को देने के लिए, कर्ज वाले को। तो हमारे पास इनकम यही हुआ 4,500 प्लस 3,000, तो 7,500 रुपया का इनकम हुआ है 7,500 का जनवरी महीने में। और डिप्टी की बात करें तो दोस्तों 12 दिन डिप्टी किया, पूरा 30 दिन नहीं कर पाया, 12 दिन काम किया हूँ, 12 दिन में 7,500 रुपया हुआ टोटल इनकम। तो अच्छा हुआ है दोस्तों, मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि इतना होगा, लेकिन इतना हो गया है। 7,500 में से 2,250 रुपया माइनस करेंगे तो होगा वही 72,000 के आसपास होगा 12 दिन के डिप्टी में। तो इनकम तो मस्त हुआ है और मुझे ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन हिसाब करने पर पूरा खर्चा उर्चा पूरा मिलाने पर इतना निकल गया, लगभग 700-800 का रिहारिस हुआ होगा। तो चलिए और दोस्तों अब आते हैं यूट्यूब के बारे में, तो वहाँ पे क्या क्या हुआ है तो थोड़ा सा देखते हैं। अभी वॉच नहीं किए हैं, यूट्यूब स्टूडियो वॉच करके देखते हैं कि कितना है, फिर मिलते हैं वॉच करने के बाद। तो फाइनली हमने YouTube स्टूडियो भी वॉच कर लिया, उसमें जो है ना पूरा जनवरी महीने का जो सब्सक्राइबर बढ़ा है वो है 215 सब्सक्राइबर बढ़ा है। और वॉच टाइम की बात करें तो वॉच टाइम टोटल हुआ है 550, यानी कि 475 घंटा वॉच टाइम हुआ। तो ये है, और देखते हैं जनवरी महीने में तो उतना हुआ है और फरवरी महीना में कितना हो पता है। तो फिर आप लोगों को अगले मार्च 1 तारीख को फिर आप लोगों को पूरा फरवरी महीने में जो भी अचीवमेंट होगा, जो भी कमाई होगा, जो भी
मतलब कि इम्प्रूवमेंट होगा वो आप लोगों के बीच में वीडियो के माध्यम से लेकर आऊँगा। तो चलिए, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ अनुभव मिला होगा कि हमको कितना इनकम हुआ है। और दोस्तों काज बहुत ज़्यादा हो गया है, ऐसे तो 12-13 दिन बीमार थे उसी में काज हो गया, और ऐसे भी 3 दिन जाते थे, 2 दिन नहीं जाते थे, 5 दिन जाते थे, 1-2 दिन नहीं जाते थे, 4 दिन नहीं जाते थे, ऐसे कर करके मात्र पिछला महीना में 12 को ड्यूटी हुआ है। 12 ड्यूटी में 7200 का इनकम हुआ है, इनकम इतना हुआ है। और बचाने के बात हुआ तो बचाने के तो अपना ऊपर है कितना बचाए, लेकिन पेट्रोल खर्चा लगा होगा वही 1200-1300 रुपया पेट्रोल खर्चा लगा होगा। पेट्रोल खर्चा ज़्यादा लगा है, लेकिन अगर दिहाड़ी काम में जोड़ेंगे, काम में कितना पेट्रोल खर्च हुआ तो 1200-1300 का पेट्रोल खर्च हुआ होगा, क्योंकि दोस्तों और फालतू पेट्रोल खर्चा हुआ है वो तो इधर उधर घूमे हैं तो खर्चा हुआ है, तो इसकी वजह से ज़्यादा खर्चा हो गया है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर एक और न्यू वीडियो में। ये हमारा जनवरी महीने का क्या क्या कितना इनकम हुआ और यूट्यूब पर कितना मतलब सब्सक्राइबर फर्स्ट टाइम ये सब कंप्लीट हुआ, यानी कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, कितना मैं अर्निंग किया हूँ, वो सब आप लोगों को बताया हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में।